बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म स्टार को हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म किल बिल के हिंदी रीमेक के लिए अप्रोच किया गया है। ये एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे साल 2003 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को क्वेंटिन टैरेंटिनो ने डायरेक्ट किया था। ये एक मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड जबरदस्त एक्शन फिल्म थी जिसमें लीड रोल उमा थर्मन ने निभाया। एंटरटेनमेंट न्यूज की एक रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म के हिंदी वर्जन को निर्देशक अनुराग कश्यप बनाने वाले हैं। इस हॉलीवुड फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए फिल्म प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने कुछ साल पहले ही राइट्स खरीद लिए थे। अब इस फिल्म को बनाने की तैयारियों पर काम तेजी से शुरू हो चुका है जिसके लिए मेकर्स ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप को चुना है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के लीड रोल के लिए मेकर्स एक्ट्रेस कृति सैनन के लिए विचार कर रहे हैं। अनुराग कश्यप इस फिल्म को निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो की विरासत मानकर बेहद करीबी से काम कर रहे हैं। दोनों ने फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है। फिलहाल कास्टिंग के मोर्चे पर काम चल रहा है जिसके लिए उन्होंने अदाकारा कृति सैनन से बात की है। खबरें तो ये भी हैं कि इस फिल्म की कहानी मूल फिल्म की तरह ही दुनिया की सबसे खतरनाक महिला की होगी जो अपने बदले के लिए लोगों को बुरी तरह मारती है। कृति सैनन के अलावा फिल्म के लिए दो और अदाकाराओं से बात की जा रही है। अब अगर कृति सैनन इस फिल्म के लिए हाँ करती है तो ये उनकी पहली एक्शन ड्रामा फिल्म होगी।